भाइयों, मैं आज ब्रेकर आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रेकर के बारे में मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और यह वीडियो ऑपरेटर और हेल्पर के लिए बहुत पावरफुल होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से मेरे भाई लोग फ़ोन करते हैं कि राजू भाई, मैंने सभी कनेक्शन फिटिंग कर दिया है लेकिन ब्रेकर अच्छी तरह से चालू नहीं हो रहा है। तो आज देख लीजिए, मैं बताता हूँ कि आप जब ब्रेकर फिटिंग करते हैं तो सबसे पहले देखिए वाल है, इसे जो है चेक कर लेना चाहिए। ये वाल जो है इसको घुमा लेना चाहिए। इसमें लॉक होने के लिए एक डावल रहता है, वो वहाँ तक घुमाना चाहिए डावल को। और फिर दूसरी बात, जा करके अपना कनेक्शन चेक करना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कनेक्शन कहाँ से लगाना चाहिए। ले सकते हैं यहाँ बैटरी पर से भी ले सकते हैं, नहीं तो फ्यूज में से ले सकते हैं। कनेक्शन कहीं से भी लीजिए, लेकिन आप अपने पैडल में कनेक्शन जा रहा है कि नहीं उसे चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा ये भी सही हो गया तो हम क्या करें, ब्रेकर नहीं चालू हो रहा है तो हम मशीन को चालू कर लेंगे। मशीन चालू कर करके सही पोजीशन में ब्रेकर को खड़ा करके रख लेंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी हम मशीन चालू करने जा रहे हैं। देखिए मशीन चालू करते हैं, चालू कर रहे हैं। पैडल में करंट आता है कि नहीं, हमें इसे भी चेक कर लीजिए लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका करंट सही है तो इसके बाद आप चले जाइए, सोलो नाइट स्विच लगा हुआ है मशीन में। देखिए अगर आपका ब्रेकर नहीं चल रहा है तो आप जो है इलेक्ट्रिक से नहीं चल रहा है, यहाँ पर करंट आएगा तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप इसे मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्रेकर सही है या नहीं। तो हम देखिए पैडल से नहीं, हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। इसको जब प्रेस करेंगे जोर से, हम क्या करेंगे देखिए, अगर हम जब प्रेस कर रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर से दबाएंगे तो देखिए हमारा ब्रेकर चालू हो गया। इस तरह से समझेंगे कि हमारा ब्रेकर सही है, फिर हम खोलेंगे नहीं। ये देखेंगे यहाँ पर हेड वाल है, हेड में देखेंगे रहेगा तो भी ब्रेकर नहीं चलता है। तो हम ये तीन बातों का, एक वाल खोल देंगे, उसके बाद अपना करंट चेक करेंगे, फिर तीसरी बात गैस हेड में है क्या नहीं वो चेक करेंगे, फिर चौथा हमारा अगर नहीं चल रहा है तो हम जा करके अपना सोलो नाइट वाल से जो हमने बताया अभी कि उसको आप डायरेक्ट मैनुअली स्क्रू ड्राइवर या खीले की मदद से दबाइए, अगर फिर वो चालू हो जाएगा। यदि अगर नहीं चालू होता है उसके बाद में फिर आप मैकेनिकल या इंजीनियर को दिखाइए। ऐसे तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ब्रेकर में, मैं इतना सारा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।